ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के लिए आज शाम फिजी में नादी के लिए रवाना होंगी। यात्रा के दौरान वे द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी। फिजी की अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी में द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इसके बाद वो फिजी की संसद को संबोधित करेंगी। न्यूजीलैंड में श्रीमती मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। वो ऑकलैंड में स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। श्रीमती मुर्मू की तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ के मनी माजरा में 2400 घंटे जलापूर्ति की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने कहा कि इस परियोजना से मनी माजरा के लगभग 1,00,000 लोगों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। श्री शाह ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य 2400 घंटे तेज जलापूर्ति के माध्यम से पानी को बर्बाद होने से बचाना है। इसका अन्य उद्देश्य पानी की लीकेज में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, भूजल पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि करना है। इस परियोजना की कुल लागत 160 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में आज एक मंदिर की दीवार ढहने से 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। शाहपुर में हरदौल बाबा मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ये दुर्घटना हुई। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य किया गया। सागर के जिलाधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि कुछ घायल बच्चों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल से मलबा हटा लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुर्घटना में मारे गए बच्चों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वायनाड में पिछले मंगलवार को हुए भारी भूस्खलन से तबाह हुए क्षेत्रों में सेना के नेतृत्व में तलाशी अभियान जारी है। भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मल्लपुरम जिले में चालियार नदी के निचले हिस्से से और अधिक शव बरामद किए जा रहे हैं। मल्लपुरम की छलियार नदी में तलाश के काम में तेजी लाई गई है। छलियार नदी से अब तक 156 शव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भूस्खलन में बचे बच्चों की काउंसलिंग और सहायता शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटना में लापता लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी है। 44 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 36 लापता लोग शिमला जिले के रामपुर के समेज इलाके के हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल लाइव डिटेक्टर उपकरणों के साथ लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच कल रात जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना के कारण दाचा शुनकला मार्ग पर सीमा सड़क संगठन के 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। इस कारण दाचा शुनकला जांसकर मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में गंदरबल में बादल फटने से बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण आज श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। इससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। राजमार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बादल फटने से चेरवान पद्वबल क्षेत्र में कई मकानों पर भी इसका असर पड़ा है। अंतिम समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। बचाव दल चट्टाने हटाने के लिए सवेरे से अथक प्रयास कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को शूटआउट में 4-2 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहने पर मुकाबला शूटआउट में गया। शूटआउट में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजपाल कुमार ने गोल किए, तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन की ओर से जेम्स अल्बेरी और चेक वाल्देस ने गोल किए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कोलंबो में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 21 ओवर में 3 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण प्रदर्शनकारियों के देशव्यापी असहयोग आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर आज सुबह से ही हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।